10 साल के आईसीसी कप के सूखे को खत्म करने के लिए बुधवार को भारतीय टीम इंग्लैंड के ओवल मैदान पर उतरी। ओवरकास्ट कंडीशन और हरी पिच, यहां पर कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी टॉस जीतकर यही किया और साथ ही अपनी प्लेइंग 11 भी बताई। टीम ने अश्विन की जगह ठाकुर को खिलाया और विकेट कीपर के रूप में KS भरत को चुना। पहले सेशन में शानदार शुरुआत भारतीय टीम ने पहले सेशन में शानदार शुरुआत की। एक तरफ से शमी और दूसरी तरफ से सिराज दोनों बल्लेबाजों से कठिन सवाल पूछ रहे थे। सिराज ने बिना देरी किए हुए चौथे ओवर में ही भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने उस्मान ख्वाजा को चौथे ओवर की चौथी गेंद पर विकेट के पीछे KS भरत के हाथों कैच आउट करवाया। ख्वाजा बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मानस लाबुशेन, उन्होंने डेविड वार्नर के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। डेविड वार्नर पहले तो पिच पर जूझते दिखे लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी कर डाली। जब ऐसे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच पे पकड़ बना ली है और पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहेगा, तभी 22वें ओवर में ठाकुर ने बाउंसर मारा और वार्नर को भी KS भरत के हाथों में कैच करवाकर आउट करवा दिया। पहले सेशन के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन बनाए और 2 विकेट गंवा लिए थे। दूसरे सेशन में भारत ने की दमदार शुरुआत। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया विकेट ना गंवाने की सोच लेकर तेज गति से रन बनाने के लिए आया होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस उम्मीद को झटका दिया शमी ने। शमी ने मानस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड किया और 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा। लाबुशेन 26 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। ट्रैविस हेड का काउंटर अटैक, ऑस्ट्रेलिया के 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ट्रैविस हेड ने टीम इंडिया पर काउंटर अटैक किया और भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। दूसरे सेशन में लाबुशेन को गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई और विकेट नहीं गंवाया। एक तरफ से जहां हेड काउंटर अटैक कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से स्मिथ अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे। दूसरे सेशन पे खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए थे। इस दौरान हेड अपना अर्धशतक जुमा चुके थे और स्मिथ भी अर्धशतक के करीब थे। तीसरे सेशन में विकेट के लिए तरसा भारत। तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अटैक किया और भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए। इस सेशन में हेड ने शतक पूरा किया और स्मिथ ने भी अर्धशतक लगाया। हेड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अंतिम सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 157 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। हेड 144 और स्मिथ 95 रन बनाकर नाबाद रहे। तो क्या भारतीय टीम दूसरे दिन टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। ब्यूरो रिपोर्ट, अखाड़ा अपडेट्स।